एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म इज 149। उस एपी की 22 टर्म का सम फाइंड करो जिसका कॉमन डिफरेंस 7 है और उसकी जो 22 टर्म है वो 149 है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन, और इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे पहले सभी एक्सरसाइज और चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो और साथ ही प्लेलिस्ट में भी दिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं कि हमें दिया हुआ है 22 टर्म जो है 149 है, सो ए 22 इज इक्वल टू हमारा क्या है 149। ए 22 का मीन्स हुआ ए प्लस 21 डी इज इक्वल टू 149। इसमें हम यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर देंगे, डी की वैल्यू हमें 7 दी गई है, ए प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए प्लस 71 जा 7, 72 जा 14, 147 इज इक्वल टू 149। ए इज इक्वल टू हो जाएगा 149 माइनस 147। ए इज इक्वल टू हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई 2 है, लास्ट टर्म हमें दी गई है 149, क्योंकि 22 टर्म का ही सम बताना है और 22 टर्म जो है 149 है, तो हम इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, ये हमारी 149 हो जाएगी। एस 22 हमें फाइंड करना है, तो हमें पता है एस एन इजकल टू क्या होता है भाई, एन अपॉन टू और ए प्लस एल, तो एन की वैल्यू क्या है 22, तो 22 अपॉन टू ए हमने अभी फाइंड किया है जो कि हमारा 2 आया है, 2 प्लस और लास्ट टर्म हमारी क्या है 149। यहां से हम 2 से 22 को कैंसिल करेंगे 11 आ जाएगा, तो 11 इंटू 149 प्लस 2 करेंगे 151 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11 वन जा 11 वन कैरी 11 फाइव जा 55 और 1 56 11 वन जा 11 और 5 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1661। ये इसका आंसर है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।